हेलो एवरीवन, आज मैं आपको भरवा भेल बनाना सिखाऊंगी। ये भेल और आलू मैंने उबाल लिए हैं। ये उबले आलू को काट लिया है और भेल को मैंने ऐसे कट लगा के फिर बॉईल किया था। अब इसके अंदर मैं मसाला भरूंगी। इस मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अमचूर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ये सब डाला है। अब इसके सारे छेदों में मैंने मसाला भर दिया है और इसको और एक तरफ में मैंने सरसों का तेल जलने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको इसमें मसाला भर के दिखा रही हूँ। जितनी सब्जियाँ आप लोगे उसके हिसाब से आपने मसाला इसमें भरना है। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अमचूर और जीरा। मैंने थोड़ी सी एक हरी मिर्च काटी है छोटी छोटी, और ये सब सामान मैं आपको दिखा दिया। सरसों का तेल जल गया है। अब इसमें मैं सबसे पहले भेल डालूंगी, क्योंकि भेल बॉयल्ड है इसलिए उसको पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने फटाफट से सौते करना है। इसमें मसाला डाला हुआ है, आलू के लिए मसाला हम लोगों ने जो बचा हुआ है वो डालेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा, अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे और हरी मिर्च भी साथ में। और जो बचा हुआ मसाला है कटोरी में वो भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बहुत अच्छे से फुल फ्लेम पे हम इसे सिर्फ फ्राई करेंगे। ये मेरी सब्जी रेडी है। वैसे इसमें धनिया डालूंगी मैं। ये इतनी जल्दी बन जाती है कि अगर आप चपाती बना के भी रखो साथ साथ ये रेडी हो जाती है। तो हल्का हल्का हो सके तो थोड़े थोड़े आलू पीस लीजिए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरी सब्ज़ी रेडी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो।